I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head. Ever since I left the city, you. Ever since I left the city. Ese que hoy me gustas un poco más. Okay. Hola, ¿cómo tal? Yeah, yeah, yeah. आप सुन रहे हो 107.8 FM देशभक्त रेडियो आपकी आवाज। अगर नहीं सुना होगा ना तो आज आप जान जाओगे कि आज हम उनकी फाउंडर के साथ बैठे हैं और जानते हैं कि घर के बने केक में ऐसी कौन सी खास बात होती है कि लोगों को अब सडनली शॉप के केक, सिंधी के केक या फिर कोई बड़ी आउटलेट के केक से ज्यादा घर के केक बहुत ज्यादा पसंद आने लगे हैं। So, hi Bhavya, how are you? I'm good, how are you? एकदम बढ़िया। So, देखो ऐसा है कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना इतनी छोटी एज में बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है? अभी हम जब जिस एज में हम ये सोचते हैं कि अभी हमें पढ़ाई में क्या करना है, आगे क्या करना है, आपने फिगर आउट कर लिया कि मैडम को केक बनाने हैं। So, कैसे शुरुआत की, कहां से एक मुझे होता है ना कि आइडिया आया, कहां से आया? लाइक मैंने लॉकडाउन में स्टार्ट किया अपना फर्स्ट केक, मैंने अपने बर्थडे पे बनाया 2020 में। तो फर्स्ट बर्थडे के बाद जैसे मदर्स डे आया, उसके बाद मेरी दादी का बर्थडे आया, उसके बाद जैसे कि मुझे अपने आप रैंडमली ऑर्डर आने लगे थे, मैंने अपना इंस्टाग्राम पे आईडी बनाई, तो लाइक सबको अच्छा लगने लग गया, तो मुझसे केक बनवाने लग गए होममेड। चलो बहुत बढ़िया। अभी ऐसे क्या होता है कि जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, फैमिली सपोर्ट बहुत मैटर करता है, तो फैमिली का सपोर्ट था? फैमिली का सपोर्ट था टू बी ऑनेस्ट, बट वो थोड़ा सा कहते थे कि अपना स्टडीज पे ज्यादा फोकस करो और स्टडी ज्यादा, तो इसलिए थोड़ा सा होता था, मतलब साइमल्टेनियसली मैंने कर लिया, लाइक बोथ हमने हैंडल करा, केक का भी और स्टडीज का भी। जैसे मैं अभी ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हुई है, तो उसके बाद मैं थोड़ा फ्री हूँ, तो अब मैं ज्यादा और इसमें परस्यू करूंगी और चीजें सीखूंगी। नहीं नहीं चलो बहुत बढ़िया। अभी क्या होता है ना, कोई भी चीज स्टार्ट करने के लिए ना इंस्पिरेशन की बहुत जरूरत होती है। क्या थी वो चीज, एक मतलब किस चीज से मिल गई? जैसे मैं घर पे बैठती थी तो ना मैं रील देखती, तो मुझे तो भाई इतने अच्छे बनाते हैं बेकिंग चीजें, जैसे इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, तो फिर वो मैं देखती थी, फिर मैं मम्मा से पूछती थी, मम्मा चलो तो हम ट्राई करते हैं, मम्मा कहती तू ट्राई कर। तो फिर मैंने ऐसे धीरे धीरे करके बनाना स्टार्ट किया, मुझे तो इंटरेस्ट था टू बी ऑनेस्ट ड्राई केक्स का, फिर मैंने स्टार्ट करा धीरे 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 करके, एक बनता गया। अच्छा मुझे लगता है कि फर्स्ट केक जो बेक किया होगा ना, उससे ज्यादा स्पेशल पता कौन सा केक होगा, जब फर्स्ट ऑर्डर मिला होगा तब तो भाई बंदा ना अलग ही आसमान में होता है कि पहला ऑर्डर आ गया। तो कैसा एक्सपीरियंस था पहले ऑर्डर का? तब तो बहुत ही अच्छा था, तब मुझे था जब मेरा एक फर्स्ट ऑर्डर आया था, तो मैंने मतलब ये तो सोचा ही नहीं कि क्या मेरी इन्वेस्टमेंट कुछ मुझे कोई प्रॉफिट होगा कि नहीं, उल्टा मैं मतलब पूरी जान से मैंने वो ज्यादा मतलब हर चीज लेके, उल्टा वो तो था 1 kg का, पर वो बन 1.5 kg का गया था, बट धीरे धीरे फिर ऐसे होता रहा। अच्छा लगा, सबसे अच्छा बेस्ट एक्सपीरियंस था जब नया फर्स्ट केक ऑर्डर आया। अगर अब ये ना बात यहाँ ऐसी आती है कि अगर हम किसी शॉप से बाई करते हैं ना, तो उनके पास ना पूरा एकदम होता है कि इतना इतना किलो का है तो इतना किलो ही देना है। होम मेकर के पास ना ये एडवांटेज है कि आपको थोड़ा बहुत ना ऊपर नीचे मिल जाता है ना, नीचे तो नहीं ऊपर ही मिलता है ऑब्वियसली, ठीक है। सो अभी ऐसा है कि देखो आप स्टूडेंट हो, अभी स्टडीज कम्प्लीट करके बैठे हो, तो कैसे मैनेज किया टाइम को? जैसे अब थोड़ी हेल्प मिल जाती थी, मतलब फैमिली से, मम्मा से, मेरी सिस्टर से थोड़ी बहुत मैं खुद करती रही, मतलब थोड़ा होता था, मुश्किल तो लगता था, बट मैंने धीरे धीरे कर लिया मैनेज। सो लोगों की तरफ से रिस्पांस कैसा आ रहा है, ऑर्डर्स आते हैं, लोग कितना अप्रिशिएट करते हैं, कितना पसंद करते हैं? ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इस ये चीज मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है, क्योंकि इस चीज से मतलब जब मुझे रिव्यूज जो मिलते हैं देखने को, फिर मैं बहुत ज्यादा अपने आप से सीरियसली और मैं नई चीजें सीखने का मुझे बहुत शौक होता है, इंटरेस्ट मिलता है कि वो इतना अच्छा उनको लग रहा है, कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा। एक रिस्पांस मैं भी देना चाहूंगी, क्योंकि मैंने भी ऑफ कोर्स आपकी ब्राउनी टेस्ट की है, और गाइस इट इज अमेजिंग। अगर आपने नहीं किया है ना और अभी तक आपने नहीं खाया है, तो आपको इंस्टाग्राम पे जरूर जाना चाहिए और फॉलो करना है फेसबुक का इंस्टाग्राम पेज, ठीक है, लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगी। अब इसके साथ ही ना मैं आपको एक और चीज पूछना चाहती हूँ कि देखो फैमिली सपोर्ट ऑफ कोर्स जरूरी होता है, लेकिन फ्रेंड्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। फ्रेंड्स को कैसे लगता है, क्या मतलब खुश है वो आपको सपोर्ट करते हैं? बहुत ज्यादा फ्रेंड्स की वजह से ही मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला धीरे धीरे, मेरी फ्रेंड्स के थ्रू मुझे ऑर्डर आने लग गए, जैसे फर्स्ट कोई रैंडम ऑर्डर था, उसके बाद मेरी मोस्टली फ्रेंड्स ही थी जिन्होंने मुझे अपनी मम्मा के बर्थडे पे, अपने फादर के फादर्स डे पे ऐसे ऑर्डर्स दिए, मतलब वो ही थे जिन्होंने मुझे थोड़ा आगे पुल करा, और तो भी मैंने स्टार्ट।
स्टार्ट किया हमने, उन्होंने मुझे बोला इंस्टाग्राम पे आईडी बना, तू बहुत अच्छे केक बनाती है, तभी धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। बहुत बढ़िया। अभी ऐसा है ना कि केक के मामले में ना लोग थोड़े से पर्टिकुलर हो जाते हैं इस बात को लेके कि केक एगलेस है या फिर एग वाला है, तो कैसे मतलब दोनों टाइप के केक बनाते हो आप? नहीं, वो सारे मतलब सारे मेरे एगलेस होते हैं। वेरी गुड, मतलब एगलेस होते हैं और मोस्टली लोगों को एगलेस ही चाहिए होता है। ठीक है, सो अभी ऐसा है कि आपको तो प्लान्स क्या है, मतलब अभी बिजनेस स्टार्ट कर दिया, अच्छा जा रहा है, सब कुछ सही है, अभी आगे का क्या सोचा है, इसको प्रोफेशनली प्रोसीव करना है? हाँ जी, सोचा तो है प्रोफेशनली आगे इसको कंटिन्यू करूंगी और करती रहूंगी, क्योंकि अब तो मतलब मेरा इंटरेस्ट ही इसमें, टू बी ऑनेस्ट, और टीम में तो है नहीं ज्यादा बड़ा इसी में, तो इसमें आगे मैं उधर। सो ऐसा है कि देखो घर का खाना सबको पसंद होता है, और अगर घर का केक हो तो किसको नहीं पसंद होगा, है ना? एक तो ऑफ कोर्स हेल्दी, हाइजीनिक, और जैसे कि क्वांटिटी की बात करी, कभी ऊपर कभी नीचे हो ही जाता है ना, तो आपका क्या मतलब आपको कैसे खाना पसंद है, घर का खाना पसंद है बाहर का खाना पसंद है? मैं तो बहुत बड़ी फूडी हूं, मुझे तो बाहर का ही पसंद है, टू बी ऑनेस्ट। बट अब जब लॉकडाउन में, पहले तो मुझे सच्ची बताऊं तो बाहर का ही पसंद था, बट जब लॉकडाउन में मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, मतलब मैं बिल्कुल भी ज्यादा किचन में हेल्प नहीं करती थी, बट जब मैंने स्टार्ट किया मतलब बहुत चीजें बनाई, बहुत ज्यादा चीजें, गार्लिक ब्रेड, पिज्जा, केक, कपकेक्स, डोनट्स, बहुत चीजें सीखी करके, तो मुझे अब ज्यादा घर का प्रेफर करती हूं मैं मोस्टली। कल भी जैसे मैंने नूडल्स बनाई, एक केक बनाया, तो मतलब वो खुद ही खा के खुद ही अच्छा लगता है। अच्छा लगना चाहिए, चाहे घर का खाओ चाहे बाहर का खाओ, है ना, अच्छा लगना चाहिए। अब ऐसा है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो। कैसे मार्केटिंग कैसे सोची है आपने? मार्केटिंग तो मैंने ऐसे ऐसे कभी सोचा नहीं, क्योंकि अभी मुझे एक साल ही हुआ है इसमें, तो अब मैं धीरे धीरे थोड़ा आगे करूंगी इसमें, अपनी प्रमोट करूंगी या और चीजों में भी फोकस करूंगी, तो इसको धीरे धीरे देखते हैं। सो अभी इतने वैरायटीज के आप चॉकलेट्स, केक्स, पुडिंग एंड सब कुछ बनाते हो, आपको पर्सनल फेवरेट क्या है आप, जो मतलब आप अगर बनाओ तो टेस्ट करना ही करना है? मैंने मतलब ब्लूबेरी केक, ब्लूबेरी केक वो फेवरेट है, लोगों को भी वही पसंद आता है। जब मुझे पूछते हैं आपका बेस्ट सेलर कौन सा, तो मैं उनको रिकमेंड करती हूँ, मोस्टली लोगों को चॉकलेट फ्लेवर ज्यादा अच्छा लगता है, जितने मेरे जाते हैं वो चॉकलेट जाते हैं, तो मैं उनको रिकमेंड करता है, मतलब मोस्टली तो चॉकलेट ही जाता है, बट मेरा फेवरेट ब्लूबेरी। सो अभी ना बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे होंगे, तो वो जानना चाहते हैं कि आप तक रीच आउट कैसे करें, मतलब कैसे आपको पेज को ढूंढे या फिर ऑर्डर कैसे प्लेस करें? ओके, सो गो एंड फॉलो ब्लिसफुल बाइट्स बाय भव्या ऑन इंस्टाग्राम, और फेसबुक पे भी है वो अवेलेबल, और मेरा कॉन्टैक्ट वहाँ पे है, आप कॉन्टैक्ट करके भी मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है गाइस, आप मैसेज कर सकते हो, आप फॉलो भी कर सकते हो, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर सकते हो। अब हमें लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि जब बिजनेस बढ़ता है ना, तब ऑर्डर्स भी ज्यादा आ जाते हैं, ऐसे में बल्क में ऑर्डर फॉर द पार्टी, फॉर किट्स, तो कैसे रहता है वो, कैसे मैनेज करते हो? तब तो सात सालों ने मेरी हेल्प कराई थी, जब मेरे को आए थे दो तीन ऑर्डर, एक किट्टी का आया था और एक मेरा ये वेडिंग का बॉक्सेस का था, चॉकलेट बॉक्सेस का था, तो मुझे आए थे, तो मतलब मम्मा, मेरी सिस्टर, सबने हेल्प कराई थी, मेड्स ने, और मैंने थोड़ी देर के लिए अपनी फ्रेंड थी वो उसको भी बुलाया था, तो सबने हेल्प करा दी थी। मतलब आसपास भी बड़े अच्छे लोग हैं आपके, मोटिवेट करते हैं। ओके, सो ऐसा ना कि आजकल लोग काफी ना वो हो रखे, फिटनेस वीक हो रखे हैं, तो बहुत सारी जगह केक में भी लोग ढूंढते हैं कि कुछ हम हेल्दी खा लें, तो कुछ हेल्दी ऑप्शन भी रखते हो आप? हाँ जी, हेल्दी में जैसे मेरे को आया था हेल्दी के लिए ही आया था किटी में, तो उन्होंने मुझे सारी चीजें ग्लूटेन फ्री और आटा में मतलब उन्होंने बोला था, तो मेरे आटा कपकेक्स थे, स्प्राउट्स थे, सैलेड था, और कुछ भी आटा या ग्लूटेन फ्री बेस्ड होता है, तो वीगन भी मैंने। टेस्ट में कुछ फर्क पड़ता है, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत तो पड़ जाता होगा, थोड़ा बहुत तो पड़ता है, बट आटा का मैंने जैसे मैं घर के लिए मोस्टली सारे आटा के केक बनाती हूँ, सारे मतलब थोड़े अबव 50 हैं, तो फिर सब थोड़ा होता है हेल्दी चीजें खानी चाहिए, तो फिर उनके लिए मैं घर के लिए मतलब मैं मतलब आटा ही रिकमेंड करती हूँ सबको, आटा केक से बनाती हूँ। अभी दो सवाल पहले भी मैंने ये कहा था कि मेरा लास्ट सवाल होगा, पर अब मेरा लास्ट सवाल ये है कि बड़े छोटी एज में ये सब कुछ स्टार्ट कर दिया, पढ़ाई भी कर ली है ना, जो अभी लोग सुन रहे हैं, शायद हमारी एज के भी हमें सुन रहे होंगे, उनको क्या बोलना चाहोगे? आपको भी मतलब मुझे तो ऐसा लगता है, जैसे मैंने स्टार्ट किया था, मुझे पहले होता था कि नहीं मेरा तो ये चलेगा ही नहीं, क्योंकि इतना स्मॉल बिजनेस पे करना, बट मतलब अपने आप ही जो मुझे ऑर्डर आते रहे, तभी मैं भी खुद भी मोटिवेट हुई कि मुझे इतने केक्स के ऑर्डर आ रहे हैं, कैसे मेरे से मतलब लोग इंस्पायर हो रहे हैं, जो भी है मतलब मुझसे लोग पूछते भी हैं कि आप टीच करोगे या अपनी क्लासेस दोगे, तो बट अभी तो मैं इतनी नहीं हूँ, बट आगे फर्दर मैं करूँगी पक्का, तो आपको भी ये बोलूँगी अगर आपका जिसमें भी इंटरेस्ट है गो फॉर इट। हाँ, ऐसे ही होता है, क्योंकि आप जो चीज कर रहे हो ना, आपको नहीं पता कौन कहाँ किस जगह से आपसे इंस्पायर हो रहा है ना, तो करते रहो, जिस चीज में आप बढ़िया हो ना उस चीज को करते रहो, उसको कंटिन्यू जरूर करो। एक लास्ट छोटा सा मैसेज हमारे लिसनर्स के लिए,
मुझे सुनते रहे देश भगत रेडियो. ओके सुनते रहे देश भगत रेडियो या फिर आरजे प्रीतो मैम, थैंक यू. और खाते रहे केक. थैंक यू सो मच गाइस. अभी हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पर. आप सुनते रहिए 107.8 FM देश भगत रेडियो आपके पास. वेलकम बैक. आप सुन रहे हो 107.8 FM देशभगत रेडियो आपकी आवाज, या फिर आप अभी मुझे देशभगत रेडियो के यूट्यूब चैनल पर देख रहे होंगे. और ऐसा है यार कि ना बातें बड़ी सारी हो गई हैं और अब ना थोड़ा मेरा खाना खाने का मन है और थोड़ा खाने के बारे में जानने का मन है. सो मैं सबसे पहले ना आपसे ये पूछूंगी कि प्रिपरेशन है ना कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ जाके खत्म होती है. पहले तो जैसे हमें एक बेस बनाना होता है, बेस के लिए जो हमारी ब्रेड होती है उसको प्रिपेयर करना होता है. उसमें ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को अलग होके, जैसे मैदा वाला है वो मैदा का जो ड्राई वाला है उसको अलग, और वेट में जैसे हमारा कंडेंस मिल्क कोई मिल्क सब कुछ वो अलग. तो फिर उनको इकट्ठे पोर करके दोबारा बैटर में डाल के फिर ओटी जी में रख कर फिर वो बनता है. फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद फिर आइसिंग करनी होती है. फिर रेफ्रिजरेटर में थोड़े टाइम बाद उसको ऑटोमेटिकली निकाल कर बार बार करना स्विच करके निकालना पड़ता है. अच्छा एक होता है नॉर्मल केक, एक होता है कस्टम केक है ना. जब आपस स्पेशल डिमांड पे कुछ बनाने को मिलता है तो उसकी प्रिपरेशन थोड़ी मुश्किल होती है. हाँ जी उसकी थोड़ी सी अलग होती है क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा ही कुछ थोड़ा नई नई चीज़ें होती हैं एडवांस में वो करनी होती है. जैसे नॉर्मल में हम आइसिंग कर लेते हैं, इसमें थीम केक होते हैं उसमें हमें फॉन्डेंट की हेल्प मतलब यूज़ करना होता है. तो फॉन्डेंट से कोई भी शेप्स बनानी थोड़ा उसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना होता है. सो अभी जैसे शुरुआत यहाँ से करते हैं कि हमने सबसे पहले तो इन्ग्रीडियंट्स लेके आने होते हैं, वो कैसे चूज़ करते हैं कि थोड़ा हेल्दी साइड को देखते हो उसमें. हाँ ये इस चीज़ में तो मैं सारे अपने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ. जैसे बटर रिफाइंड अच्छा सारी स्टफ सारी हाई क्वालिटी हाइजीन बनती है. अच्छा अभी ना मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि ब्राउनी मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, ठीक है, और मेरे सामने पड़ी है तो मैं भी देख के थोड़ा मेरा मन ललचा रहा है. लेकिन ना मैं ये पूछूंगी आपको बनाते कैसे, क्योंकि ऑफकोर्स मेरे से इतनी अच्छी तो नहीं बनेगी और थोड़ी बहुत मैं भी कोशिश करना चाहती हूँ. तो कैसे बनाइए ब्राउनी? फर्स्टली हमें ना इसके लिए डार्क चॉकलेट और बटर को पहले हमें मेल्ट करना होता है. उसके बाद उसमें हम डालते हैं 1 कप कर्ड और मिल्क और थोड़ा सा सेंस वनीला सेंस डाल सकते हो, आप जौन से फ्लेवर की चाहिए उसमें ऐड कर सकते हो. उसमें थोड़ा सा हाफ कप आप या हाफ कप या 1 कप जैसे आपकी ब्राउनी का वो है टेक्सचर आ रहा है, जितनी आप डार्क चॉकलेट डाल रहे हो उसके कंपेरिजनली उसकी हाफ डालना है मैदा, तो उसके अकॉर्डिंग वो बेटर क्या. अभी ना बात करते हैं प्राइसेस की. लोगों को ना थोड़ा सा ऐसे वहम होता है कि जो होममेड बिजनेस होते हैं ना वो बड़े कॉस्टली होते हैं. ऐसा नहीं होता ऑफकोर्स, है ना. अपन मेहनत ज़्यादा लगती है बट इतने भी कॉस्टली नहीं होते हैं. जो उनकी मेहनत है उतना तो उनको मिलना चाहिए. तो क्या क्या अगर मैं कॉस्ट पूछूँ कितनी कितनी क्या क्या और कहाँ से स्टार्ट होती है? जैसे मेरे कपकेक्स के 6 सेट ऑफ 6 होता है, जो जैसे इनका एक वही आती है कैविटी में आती है, 4 को आता है 6 को आता है 12 को आता है. तो जो 6 वाला है वो ज़्यादा मेरा सेल होता है, तो वो मेरा पड़ता है 700 का आइसिंग वाला. और फॉन्डेंट वाले जैसे हैप्पी फादर्स डे कोई थीम के कपकेक्स हो गए वो 800 के. सो अभी ऐसा है कि जो लोग सोचते हैं ना कि होम बिजनेस है महंगा होगा या आप कस्टमाइज केक मंगा रहे हो तो वो महंगे होंगे, ऐसा नहीं होता है. अब यार देखो जेन्युइन जिसने जो लेना है वो तो ऑफकोर्स होता ही है, बट अगर आप अभी भी कोई अनहेल्दी चीज़ खा रहे हो बाहर के आउटलेट से खा रहे हो उससे बहुत ज़्यादा बेटर होता है कि आप स्विच करो एक छोटे बिजनेस पे होम किचन पे होम बेकरी पे, राइट? यस यस. सो डेफिनेटली जैसे मैं आपको एक शॉर्ट एग्जांपल देती हूँ. कल जैसे मतलब मेरा ब्रदर है वो एक कोई रेड वेलवेट पेस्ट्री लेके आया, तो वो मैंने खाई तो मुझे सबने बोला कि ये मतलब इसमें क्या डिफरेंस लग रहा है, क्योंकि इतनी वो पूरी टेस्ट वाइज है बहुत ज़्यादा पतली सी, मतलब खाने में वो हैवीनेस नहीं है मुझे. तो वो थोड़े जब हम एक होती है फ्रेश चीज़ हम जो बेक करते हैं उसको खाना उसी टाइम, तो वो ज़्यादा मतलब रिच होती है फ्लेवर वाइज भी और हर चीज़ में वो ज़्यादा अच्छे से मतलब उस टाइम खाई जाती है. और जब वो कहीं पर भी हमने जब हम लेते हैं वहाँ से बेकरी से कहीं से, उसमें थोड़ा ये होता है कि वो रखे रखे हमें नहीं पता कितने घंटे रखना है उन्हें, तो 24 hours 48 hours वो इतने में पड़े पड़े वो चीज़ थोड़ी ख़राब होने पुरानी होने लग जाती है, तो वो ड्राई होती रहती है, वो अंदर से उसकी ड्राइनेस जो होती है स्पॉन्ज की वो कम होती है. अच्छा एक ये भी चीज़ रहती है जब हम केक का ऑर्डर देते हैं ना जनरली तो हम बोल देते हैं कि ऑफकोर्स हमें कल चाहिए परसों चाहिए, पर ज़रूरी नहीं होता कि वो उसको एक ही दिन में बना रहे हो, कब का पड़ा हो सकता है कब का पड़ा. एग्जैक्टली जैसे अब मैं अपने कस्टमर्स को मैंने अपने उस पर लिखा हुआ बायो पे 2 days प्रायर, मुझे डेफिनेटली 1 day और 2 day प्रायर बताने का है, क्योंकि अगर मुझे अभी उसी टाइम बोलोगे और आप बोलोगे 2 घंटे में वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसको भी बनाने में टाइम लगता है और वो वहाँ पे हम जाते हैं हमें क्या पता वो कब तक कोई चीज़ पड़ी हुई है और वो थोड़ी मशीन में उनकी क्वालिटी
होममेड केक्स में कुछ भी हम हमें पता है कि घर की चीज है, अब इसीलिए लोग मोस्टली स्विच इसीलिए करते हैं क्योंकि अब लोग बहुत ज्यादा अवेयर भी हो चुके हैं हेल्थ को लेकर, है ना, टेस्ट भी चाहिए लोगों को ऑफकोर्स, लेकिन अब हेल्थ उनकी प्रायोरिटी रहती है। सो गाइस अगर आपको हेल्दी खाना है स्विच टू अ होम किचन होम बेकरी, अगर आपको हेल्दी खाना है अच्छा खाना है टेस्ट वाइज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तो आपको आज ही अपना मतलब जो आप बेकरी में जाते हो ना उसको स्विच करके आपको होम किचन होम बेकरी पे आना चाहिए। और इससे अच्छी बेकरी कौन सी होगी जो आज हमारे पास है। सो डू फॉलो ब्लिसफुल बाइट्स ऑन इंस्टाग्राम और कहाँ कहाँ लोग आपको फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक फेसबुक पे कर सकते हैं, मेरा नंबर भी आप उस पर भी कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर। बिल्कुल, और देशभक्त रेडियो की पेज पे भी मैं इनकी प्रोफाइल का लिंक डाल दूंगी। डू फॉलो एंड डू फॉलो अस आल्सो, यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम यूट्यूब एंड फेसबुक। अब मैं चलती हूँ, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो पर कोई एक नए आउटलेट के साथ और कोई नई बातों के साथ। अभी हम चलते हैं, आप सुनते रहिए 107.85 देशभक्त।